अब हम ये करते हैं कि अब हम बेसिकली आपको मैं इसका एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि इसने जब हम इंस्टॉलेशन की है एनसेबल की तो इसने क्या क्या कुछ किया होगा तो आप लोगों को एज़ यूजल पता है कि जब भी कभी हम डॉकर इंस्टॉल करते थे तो वो क्या करता था यहाँ मैं चैंकन इंस्टॉल करते थे तो वो हमारी ई टी सी कोई मेन जो कन्फिगरीशन है वो सारी एनसीबल की या इंस्टॉलेशन की वो हमारी ई में चली जाती तो इसी तरह एनसीबल की जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास यहाँ पर ई की डायरेक्टरी के अंदर की एक हो जाती है और इसके अंदर ये इसका सारी इंपॉर्टेंट जो दो तीन फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं जो इंपॉर्टेंटली है ठीक है तो इसमें जो हमारे लिए इस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो अभी स्टार्ट कर सकते हैं वो है होस्ट आप लोगों को याद है मैंने जब पीछे स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी प्ले बुक्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर एक होस्ट की फाइल होती है जिसके अंदर हम अपने सारे आईपी एड्रेसेस देते हैं या कनेक्शंस इन सर्वर्स के साथ जब हमने कनेक्शंस क्रिएट करने हैं तो हम लोग वो होस्ट की फाइल में देंगे तो हम क्या करते हैं अच्छा मैं आपको एनसीबल सी एफ जी की फाइल भी दिखा देता हूँ कि ये फाइल होती है इसकी कन्फिग्रेशन जो है ना एनसीबल की वो यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर देखो वो कह भी रहा है कि अगर आपको एनसीबल की कुछ जो एक सैम्पल कन्फिग्रेशन की फ़ाइल है ना वो इस रिपोजिटरी में पड़ी हुई है तो अगर मुझे चाहिए कि तो मेरे लिए ख़ुद से एनसीबल जो है वो सारी कन्फिग्रेशन क्रिएट कर दे जिसमें इन्वेंट्री की फ़ाइल और डिफरेंट फाइल्स होती हैं तो वो यहाँ से वो हम डाउनलोड करके भी लेके आ सकते हैं ठीक है ये एग्ज़ाम्पल एक इसकी कन्फिगरेस यहाँ से हमें मिल सकती हैं बट एट द मोमेंट वी डोंट नीड इट हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है होस्ट की फ़ाइल की तो अगर मैं होस्ट की फाइल में अब आप चाहता हूँ तो होस्ट की फाइल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कमेंटेड आई है सब चीज़ें कमेंटेड आउट यहाँ पर पड़ी हुई हैं कि भाई डाटा का कनेक्शन कैसे बनता है आपके सर्वर से कैसे बनेगा ये सारा कुछ उसने यहाँ पर दिया हुआ है बट हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो हम यहाँ पर डी प्रेस करके रखेंगे तो ये सारा कुछ यहाँ से डिलीट कर देंगे हम एम्प्टी फाइल रखते हैं और उसके बाद अपनी

ये नेम वो नेम होगा जिसको आप कॉल करके अपने सर्वर्स की जो लिस्ट होगी ना यानी कि मैं कहता हूं मेरे सो सर्वर है जिनके ऊपर मुझे काम करना है तो मैं यहाँ पर उन एक नाम दूंगा उनको और नीचे सो सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस डाल दूंगा जब मैं इस नाम को कॉल करूंगा ना तो वो सो सर्वर्स के ऊपर वो काम हो जाएगा अभी मैंने सिर्फ लोड बैलेंसर दिया तो मैं लोड बैलेंसर का दिया है तो यहाँ पर मैं उसका एक स्पेसिफिक दे, दे देता हूँ नाम लाइक के एनजेक्स मैंने नाम दे दिया उसको कि मेरा नाम है ये भी नाम है ये कॉन्टेक्स्ट का नाम है ये उस स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन का नाम है जो मैं जिसके लिए यहाँ पर अभी लिखने लगा हु तो यहां पर आएगा एनसीबल अंडर स्कोर होस्ट ये फिक्स है ये आपने ये ansible की कॉन्फ़िगरेशन है कि ansible का जब भी कभी हमें कोई और होस्ट डिफाइन करना है ना एनसीबल का नी जिस मशीन का होस्ट डिफाइन करना है उसको हम इस वेरिएबल के साथ पास करेंगे यानी कि जो वैल्यू है वो हम पास करेंगे असाइन करेंगे इस वेरिएबल को तो वो इसके पास आ जाएगी तो हमें यहां पर देना है आईपी एड्रेस तो मैं किसका आईपी एड्रेस दूंगा मैं यहां पर अपनी लोड बैलेंसर का पब्लिक भी दे सकता हूं प्राइवेट भी क्योंकि ये एक ही नेटवर्क के ऊपर है एडब्ल्यू अगर मैं नेटवर्क दिखाऊं आपको तो ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क है ये इसका नेटवर्क होता है ये जो नेटवर्क है ना ये सबके लिए सेम है देखो यहाँ पर लिखा हुआ नाइन टू अगर मैं एनसीबल पे भी जाऊंगा तो वहां पर भी इसका नेटवर्क है नाइन टू ई अगर मैं लोड बैलेंसर पे भी गया तो वहां पर ये था अगर मैं वेब पे भी जाऊंगा तो वहां पर लोड बैलेंसर वही होगा ए ये देखो नाइन टू ई तो बात यह सब इनका नेटवर्क एक रखा है मैंने तो आप लोग भी जब अपनी वर्चुअल मशीन पे भी काम करना चाहें तो आप वर्चुअल मशीन पे कर सकते हैं आपने क्या करना है आपने सबका नेटवर्क एक कर देना है सबको एक ही नेटवर्क के साथ साइन करना है तो हम क्या करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं पब्लिक नहीं यूज़ करते हैं प्राइवेट यूज़ करते हैं जब एक नेटवर्क पे एडब्ल्यूएस की कोई चीज़ होती है तो हम उसको प्राइवेट आईपी भी यूज़ करते तो मैंने प्राइवेट यूज़ कर लिया प्राइवेट चेंज नहीं होता पब्लिक चेंज हो सकता है ना तो इसलिए हमें बेनिफिट रहेगा प्राइवेट चेंज चेंज नहीं होगा और पब्लिक हो सकता है तो मैंने यहाँ पर लोड बैलेंसर का दे दिया अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अगर मुझे अपने स्पेसिफिक सिंपल सिर्फ एक सर्वर यानी के के एक सर्वर पे कोई काम करना है तो मैं यहाँ पर उसका दे दूंगा लाइक के मैं देता हूँ अपाची जीरो ठीक है नाम है इट्स जस्ट अ नेम मैं नाम है आपको कुछ भी रख सकता हूँ यार लिख देता हूँ नाम यहाँ पर वेब जीरो वन ही लिख देता हूँ तो लिख दो तो। एनसिबल अंडर स्कोर होस्ट मैं दे दिया दूसरा यहाँ पर इसका पब्लिक प्राइवेट आई पी एड्रेस दे दूंगा तो मैं यहाँ जाता हूँ और इसका प्राइवेट आई पी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ इसी तरह हम दूसरे तीसरे और भी बहुत सारे डाल सकते हैं लेकिन एक मैं और बना लेता हूं जिसमें मैं दोनों के डालता हूं एक स्पेसिफिक मैं कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहा हूं कि अगर मुझे कोई काम ऐसा है जो मुझे सब पे इकट्ठे करना है लोड बैलेंस पे भी करना है वेब जीरो वन पे भी करना है सब पे करना है तो मैं यहां लिख देता हूं ऑल और इसका भी पूरा का पूरा यही लाइन उठा के यहां डाल देता हूं और इसकी भी ये लाइन उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक काम लोड वनर से पर करना है तो मैं इसको कॉल करूंगा जब मुझे इस पे करना है इस पर करूंगा अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो सब पे हो जाएगा काम तो मैं इस तरह करके अपने आईपीस की लिस्ट बना सकता हूं सिंपल इसको सेव कर लेते हैं और यहां से बाहर निकल लेते हैं। ठीक है ये पहला काम है कि हम लोगों ने ये लिस्ट बना ली दूसरा काम ये है कि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें पिंग करके देखना चाहिए कि क्या मैं इनको पिंग कर पा रहा हूं कि नहीं कि क्या मैं इन सर्वर्स को पिंग कर पा रहा हूं कि नहीं पा रहा तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर होस्ट की फाइल कैट कर लेते हैं जस्ट मैंने कैड करके सामने रख ली अब एनसीबल की कमांड होती है कहते हैं एनसीबल और मैं यहां पर कॉन्टेक्ट दे देता हूं लोड बैलेंसर हाइफन एम होता है कोई अगर आपने कोई कमांड पास करनी है ठीक है मैं कह रहा हूं कि पिंग करो यूजर यू बंटू के थ्रू पिंग करो ये काम हमारा यहां पर

हम यहां से निकलते हैं बाहर यानी कि रूट से निकलते हैं बाहर ठीक है हम यूजर पे आ जाते हैं देखो हम यून टू यूजर किसके एक डायरेक्टरी होती है एस एस एच की हम यहां पर जाते हैं इसके अंदर जाके हम एक एस एस एच की की जनरेट कर लेते हैं सिंपल वो कमांड क्या होती है एस एस एच कीजन की कमांड होती है अगर मैं इसको एंटर करूं तो ये मुझसे पूछेगा कोई कहाँ पर स्टोर करनी है मैं कह रहा हूँ यहीं पर स्टोर करनी है कोई पासवे रखना है हम कहते नहीं रखना बस सिंपल क्रिएट हो गए अगर मैं इसको क्लियर करके यहाँ पर एल एस करूंगा तो यहाँ पर देखें आई डी एंड्रेसोर आ रहे से और आई डी एंड्रेस आ रहे से डॉट पब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम वैसे एक्सप्लेन किया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो जब भी कभी हम की एस 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 की जनरेट करते हैं तो हमारे पास दो कीज जनरेट होती हैं एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है जिससे कुछ नहीं लिखा वो प्राइवेट है जिससे पब लिखा हुआ है वो पब्लिक है तो हम हमें करना क्या होता है हमें ये पब्लिक की जो हम सबको दिखा सकते हैं हम ये पब्लिक की कैट करेंगे इस पब्लिक की को हम कॉप ऐसे दो तरीके हैं एक तो तरीका ये कि मैंने ये क्योंकि एस किया हुआ था तो मैं यहां पर जाके दूसरे लोड बैलेंसर के सर्वर पे जाऊं और वहां डॉट एस एस एच की डायरेक्टरी में जाके एक फाइल होती है आपको लास्ट टाइम भी बताया था ऑथोराइज अंडरस्कोर की इसके अंदर डाल दूं अगर मैं वो की इसके अंदर डाल दूं यहां पर ये यह पहली डली हुई है अपनी जो हमारी है ना ए की हम इसके अंदर अगर अपनी वो की डाल दूंगा ना तो मेरा कनेक्शन बन जाएगा एक तो देखा मैं यहाँ से कॉपी करूँ और वहां जैसे कैसे करना है बता देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से लोड अपने एनसीबल वाली मशीन पे गया यहां से मैंने पूरी की यहां तक कॉपी की ये अगला पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं होती इतनी यहां तक होती है तो मैंने ये कॉपी की और यहां जाके ऑथोराइज के अंदर जाके मैंने एंड पे गया इसको कहा भाई एंड पे जाओ एक मिनट या इसके शुरू में डाल देते हैं इसके ऊपर मैं यहां डाल दी अब जब मैंने डाल दी कंट्रोल डब्ल्यू क्यू किया बाहर आ गया ये डाल दी और अब मैं यहां से बैठ के सिर्फ लोड बैलेंसर के ऊपर एक तो ये तरीका दूसरा तरीका भी बताता हूँ जो ऑटोमेटेड वे है मैं यहां से जाता हूं दोबारा ईटीसी एनसीबल में वैसे यहां पर जाने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली मैं आपको इसकी भी रीजन बताता हूँ दो तरीके होते हैं अभी तो देखो मैंने इटीसी एनसीबल की डायरेक्टरी में आके होस्ट को कॉल कर रहा था यानी कि मैंने होस्ट को क्यों कॉल करना है यानी कि मैंने लोड बैलेंसर पे कुछ चलाना है तो मैं यहां से चलाऊंगा अगर तो मैं यही काम मैं यहां से भी कर सकता हूं अगर तो मैं ईटीसी एंसेबल के अंदर पड़ी हुई होस्ट फाइल को यूज कर रहा हूं तो मैं अपनी किसी भी सर्वर को किसी भी डायरेक्टरी से कॉल कर सकता लेकिन एक और तरीका होता है कि हम अगर होस्ट फाइल यहां की वाली यूज नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि मेरी किसी और डायरेक्टरी डिफॉल्ट लोकेशन की होस्ट फाइल यूज कर रहा हूं तो मुझे उसका पाथ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं किसी और जगह पे पड़ी हुई फाइल को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा वही बात है जैसा मैंने आप लोगों को बताया डॉकर फाइल को अगर मैं यूज़ करता हूं तो मुझे डॉकर फाइल का नाम डिफाइन नहीं करना पड़ता डॉट डाल देता हूं लेकिन अगर मैंने डॉकर फाइल का नाम चेंज कर दिया तो मुझे फिर हाइफन एफ से डॉकर फाइल का नाम डिफाइन करना पड़ता तो ऑलमोस्ट यहां पर भी वही प्रोसेस ठीक है मैंने की अपनी क्रिएट की उसको कॉपी भी कर दिया वहां पर अगर मैंने अपनी की क्रिएट करके वहां पर कॉपी कर दी है और मेरा वहां पर जो है वो क्या नाम है की फाइल जो है वो ऐड हो चुकी है तो मेरा इसका मतलब है कि अब मैं वहां पर पिंग कर सकता हूं अच्छा तो अब हम ये करते हैं कि एनसीबल की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और अब पिंग करके देखते हैं तो मैं कैट कर लेता हूँ पहले होस्ट सॉरी ई टी सी ई टी सी एनसीबल होस्ट की फ़ाइल को की मैं कैट क्यों करता हूँ ताकि मैं यहाँ से नाम कॉपी कर सकूँ ना तो इसलिए अच्छा मैंने अभी पिंग की कमांड यूज़ की थी ऊपर तो मैं उसी को पकड़ लेता हूँ दोबारा अच्छा वो मैंने पिंग यहाँ से नहीं कमांड यूज़ की थी वो मैंने यूज़ की थी एज़ अ रूट यूज़र तो इसलिए वो यहाँ पर मुझे दिखा नहीं रहा हम दोबारा लिख लेते हैं हम लिखते हैं एनसीबल हाइफन सॉरी एनसीबल लिखने के बाद मैं कॉन्टैक्ट्स का नाम दूंगा जो मैंने डाला हुआ है यहाँ पर जिसमें मैं पिंक करना चाह रहा हूँ उसके बाद मैं हाइफन एम दूंगा जो मैंने कमांड लिखनी है यूज़र यूज़र ना भी दे तो मेरे ख्याल से वो चल जाता है क्योंकि यूज़र यू टू ही है तो हम यहाँ पर यूज़र देना चाहें तो यूज़र दे दें अगर नहीं देना चाहते तो ओबियसली अच्छा यहाँ पर एक इशू आ सकता है और वो uh, वो वो मुझे भी ऐसे में थोड़ी सी श्योरिटी नहीं हो रही मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर यहाँ पर ना इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक प्राव, की वहाँ पर एसएसएच की की वहाँ पर कॉपी कर चुकी है लेकिन प्राइवेट की यहाँ पर हमें डिफाइन करनी होती है बट ले, ले, लेट्स सी अगर पिंग नहीं होता तो फिर हमें यहाँ पर शायद की भी डिफाइन करनी पड़े सो लेट्स सी इसको करते हैं और ये पिंग हो गया ठीक है क्योंकि हमने की एड कर दी हुई थी अब उसने ऑथेंटिकेशन मैंने बताया ना कि हम जब कर देते हैं अथेंटिकेशन तो उसके बाद उसको मसला नहीं होता और हम लोग कर भी प्राइवेट आईपी पे रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी मसला नहीं था इसी वजह से उसने देखिए यहाँ पर सक्सेस का मैसेज दिया है और ये उसकी सक्सेस का मैसेज का दूसरी इंडिकेशन होती है कि पेंग हम भेजते हैं और आगे से पोंग का आंसर हमें आता है तो इसका मतलब है कि ये आप इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं दोनों सर्वर्स तो ये एक हमारा इंडिकेशन है दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं आप लोगों को ये बताने लगा था कि अगर मैं होस्ट की फाइल

अगर मैं सूटो बन के ये कमांड चलाऊंगा तो ये देखो आपके पास यहां पर फेल आ रहा है 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 क्योंकि मैंने की 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 किसकी ऐड ऐड हुई यूजर जिसने जनरेट थी और वही की में डाली है तो वहां पर ये चल रही यूवन टू यूजर चला सकता है कोई और यूजर नहीं चला सकता आपका क्वेश्चन ये था कि आपको कमांड की क्लैरिटी नहीं है मैं आपको एक दफा कमांड की क्लैरिटी पूरी तरह से देता हूं आपको अभी समझ आ जाएगी मैं यहां पर होस्ट को दोबारा करता हूं अब मैं कहता हूं कि मुझे ना ये यही कमांड मैंने चलाई थी ना यहाँ पर यह चलाई थी तो मैं क्या करता हूं ये निकाल देता हूं यू मैं लिख देता हूं कि वो ग्रीन कलर में छो कर तो इट्स गुड ये क्या चीज है एनसीबल इज अ कमांड चूंकि एनसीबल की कमांड रन करनी है लोड बैलेंसर इज द कॉन्टेक्स नेम ये कॉन्टेक्स नेम कभी हम ये जब हम इसको करेंगे तो हम ये देंगे जब हम इसको करना चाहेंगे सब पे करना चाहेंगे तो ये हम यहां पर ना लोड बैलेंसर की जगह हम उस स्पेसिफिक सर्वर का जो हम लोगों ने नाम दिया है ना हम वो भी दे सकते हैं कि भाई ये काम तुमने इस पे करना है तो ये देखो ये उस पर भी चलेगा ये देखो उस पर भी सक्सेसफुल आ रहा है उस पर चल रहा है लेकिन अगर मैं वेब पे देता हूं चलो वेब जीरो वन पे देता हूं तो ये नहीं चलेगा क्योंकि वेब जीरो वन पे कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ मैं यहां देता हूं वेब जीरो वन ये एरर दे देगा दे मैं इसको दूंगा वो मुझे एरर दे देगा बिकॉज हमारी अभी हैंड शेक हुआ ही नहीं है जब हैंड शेक हो जाएगा तो फिर वो उसको अलाउ करेगा कि हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है अब हम एक और काम करते हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तो मैंने की जो है वो यहां पर जो रखी हुई के अंदर ये की मैंने मैनुअली जाके क्या नाम मैं वहां पर कॉपी की थी ठीक है तो हमने उन्होंने क्या किया था कि मैनुअली जाके मैंने यहां से पब्लिक की कॉपी की और उसके ऑथोराइज की में डाल दी लेकिन ऑटोमेटेड वे क्या है कि मैं यहां से अपने उस सर्वर पे जो है वो अपनी की कॉपी कर सकूं उसकी कमांड भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आपको अगर कभी ऑटोमेटेड वे में करना है एस 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 बगैर कनेक्शन बनाना है तो हैं ये मैंने कॉपी कर ली अच्छा आई डी पब्लिक की ही हमने करनी है आर एस पब्लिक की यहाँ पर हमारी जो की मुझे यूज़ करनी है वो है ये मैंने ये कमांड कॉपी कर दी यहाँ पर इसके बाद यू वन टू एट द रेट ऑफ प्राइवेट आई एड्रेस ऑफ मै मशीन जिस मशीन पर मुझे कॉपी करनी है तो मैं वो कॉपी कर लेता हूँ आई एड्रेस मेरे वेब ज़ीरो का

अगर ये सारी वेरिफिकेशन और कन्फर्मेशन इसकी सही होगी तो ये आगे जाने देगा यहाँ पर एक सेंटेक्स का मसला मैंने क्या किया अच्छा हाँ सॉरी मैंने ये पेस्ट कर दिया था अब देखें उसने कोई एरर नहीं दिया सब कुछ हो गया मैं सिर्फ क्या करूंगा वेब जीरो वन जो मैंने एक्सेस किया हुआ था वहां जाके दोबारा कैट करूंगा तो वहां पर पहले एक की थी अब यहाँ पर दो कीज होनी चाहिए देखें दूसरी भी आ गई है ये पूरी की पूरी वाली आ गई है अब मैं सिंपल क्या करूंगा लास्टली मैं यहां पर इसको पिंक करके देख लूंगा